So good morning, first class students. How are you? I hope all you are good and safe at home. So take out page number 29 and lesson number 15. Lesson name मद का इस्तेमाल. मद किसे कहा जाता है children? मद किसको बोलते हैं? ये हमारा मद है. क्या है? मद. मद के मायने है लंबा करना और खींचना. जिस अलिफ पर मद हो उसे खींचकर पढ़ा जाता है. जैसे अलिफ मद आ नीम आम वगैरह. तो यहाँ पर क्या है, मद को क्या करते हैं, लंबा खींचकर पढ़ा जाता है. जिस अलिफ पर मद हो उसे खींचकर पढ़ा जाता है. जैसे अलिफ मद मीम आम, अलिफ मद रे छोटी ए आरी, अलिफ मत नून काफे आंख. तो अलिफ जो है ना वो वर्ड क्या होता है, खींच के पढ़ा जाता है. आस्तीन आशियाना वगैरह. ठीक है, यहाँ पर मत का कैसे इस्तेमाल होता है, लंबा खींच कर पढ़ा जाता है. आज 15 अगस्त है. आज के दिन हमारे मुल्क आजाद हुआ था. आज क्या है, मतलब यहाँ पर हमारे लेसन में है कि आज 15 अगस्त है, यानी 15 अगस्त है. आज का दिन हमारे मुल्क आजाद हुआ था, यानी अपना मुल्क क्या हुआ था, अंग्रेजों से आजाद हुआ था. हम उस दिन को कौमी त्यौहार के तौर पर मनाते हैं. हम क्या करते हैं, कौमी त्यौहार के जैसे मनाते हैं, यानी हर वहां पर क्या होता है, 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, यानी कौमी ईद. अपन जैसा ईद वगैरह वो सेलिब्रेट करते हैं ना, वैसे ही कौमी त्यौहार की तरह वो मनाते हैं. आसमान साफ है, एक बहुत बड़ा क्या है यहाँ पर, आसमान साफ है. एक बहुत बड़े लीडर आज हमारे स्कूल के प्रोग्राम में आ रहे हैं. यहाँ पर क्या है, देखिए आसमान बहुत क्लीन है. यहाँ पर भी क्या क्या का इस्तेमाल हुआ, मत का इस्तेमाल हुआ. अलिफ मत सीन अलिफ मीम नून आसमान आज. यहाँ पर भी देखिए आज आजाद, ये क्या है, अलिफ पर मद है ना, वैसे ही वाले वो हुरूफ है. यहाँ पर कहते हैं एक बहुत बड़े लीडर, बच्चों की स्कूल में प्रोग्राम था तो वो आने वाले हैं. स्कूल में होने वाले प्रोग्राम में आज प्रोग्राम में बच्चे हिस्सा लेंगे, यानी स्कूल में जो प्रोग्राम यानी कुछ भी फंक्शन वगैरह होता है वो बच्चे क्या हो रहे, पार्टिसिपेट हो रहे. कल इतवार को हम अपने दोस्त आज़ाद के यहाँ आमों के दावत खाने जाएंगे. हमारे साथ आसिफ आशा अकरम वगैरह भी होंगे. यहाँ पर क्या है, इतवार को हम मतलब लोग फ्रेंड्स क्या करने वाले हैं, आज़ाद के यहाँ आमों की दावत, यानी क्या है, मैंगो की दावत है. तो वहाँ पर वो क्या करने, आमों की दावत है तो वहाँ पर खाने के लिए वो सब जाने वाले हैं. जैसे आसिफ आशा अकरम वगैरह वो सब मिलकर जाने वाले हैं. तो यहाँ पर कैसा यूज़ हुआ इस अलिफ मद का, तो वहीं यहाँ पर ये बता रहे हैं आप लोग को. ठीक है, यहाँ पर देखिए आसिफ पे भी मद है, आशा पे भी मद है, आमो यहाँ पर क्या है, अलिफ को क्या कर रहे हैं, खींच के पढ़ रहे हैं. तो अलिफ मद ऐसे वर्ड्स आ लेते हैं आते ना वैसे ही. तो ये क्या हो गया हमारे, मद वाला, मद का इस्तेमाल. ठीक है, आज का हमारा होमवर्क है क्या है, मद वाले लफ्ज लिखिए. यहाँ पर मद वाले लफ्ज लिखना है, अलिफ मद मीम आम, अलिफ मद मीम आम, अलिफ मद लाम वाव आलू, अलिफ मद रे छोटी ए आरी, अलिफ मद नून काफ हे आंक आड़ू अस्तिन आशियाना आसमान आजादी आदमी. ये क्या है हमारा, आज का होमवर्क है वन टाइम. ओके, सो राइट नीटली एंड प्रॉपरली चिल्ड्रेन. सो कीप लर्निंग, स्टे एट होम. अल्लाह हाफिज़.